हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो करते हैं अपना प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी हम हैं कश्मीरी गेट, तो घर हमारा है छतरपुर। तो छतरपुर से सुबह ही एक राइट लेके यहाँ आ गया चुके हैं। तो अभी गाइज एक बुकिंग आ रखी है गुड़गांव की, तो अभी चलते हैं गुड़गांव। तो गाइज चैनल पे नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं। तो गाइज मिलते हैं आगे। तो अब करते हैं कस्टमर को यहाँ पिकअप, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। प्लीज़ गाइज वीडियो में बने रहें, करते हैं अपना प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट आज। वैसे 2-3 दिनों से कुछ काम था तो इसलिए बना नहीं पाए। तो अभी निकलते हैं, कस्टमर यहीं खड़े हैं कहीं आगे, तो करते हैं उनको पिक, निकलते हैं गुड़गांव। डेढ़ घंटा पूरी मेहनत करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं गुड़गांव। बहुत जाम है वैसा। तो क्या है ना कि सुबह सुबह तो जाम ही होता है दिल्ली में। दिल्ली से गुड़गांव आओ चाहे गुड़गांव से दिल्ली जाओ, सुबह शाम में ये दिक्कत है मेहनत। तो अभी चल रहे हैं कंटिन्यू, देखते हैं अब कहाँ की आती है राइट, कौन सा रास्ता है। तो अभी चल रहे हैं कहाँ की मिलती है राइट, तो मिलते हैं गाइज आगे राइट उठाने के बाद। तो गुड़गांव तो आपने देख लिया होगा वीडियो में, कैसा रास्ता था कैसा जाम था। तो अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा अंदर से। अभी हम हैं क्लब के अंदर, एक बड़ा मॉल है साइबर सिटी, दिखाते हैं आप। ये बाहर से कुछ अलग है, अंदर से पूरी अंडरपास है, पूरा गाड़ियों का पार्किंग है। और हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, ये आ चुका जयपुर दिल्ली हाईवे। तो मिले आगे, देखते हैं कहाँ की आती है राइट। तो गाइस गुड़गांव में 1 से 1.5 घंटा रुकने में कोई ड्यूटी नहीं भेजी अभी। तो अभी निकलते हैं दिल्ली में, करेंगे एंटर दिल्ली, फिर वहाँ देखते हैं गुड़गांव में क्यों शाम को या सुबह काम होता है, दोपहर के टाइम बिल्कुल। तो अभी बज चुके हैं 12, कोई ड्यूटी नहीं। तो अब चलते हैं दिल्ली, दिखा दें आपको।
कौन सी राइड आती है? अभी हम हैं लाडूसराय, तो जैसे गुड़गांव से बॉर्डर पार करते ही तो राइड मिल गई अच्छी एक, तो अभी हम लाडूसराय दिल्ली। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ की आती है बुकिंग, दिखाएंगे थोड़ा बाहर से व्यू। ये लाडूसराय देखते हैं कहाँ की आ रही है राइड, दिखाते हैं। दो तीन राइट मारने के बाद तो अभी हमें करना है, तो दिखाते हैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू। तो भाई ये है कर्नाट प्लेस, इसको सीपी भी बोलते हैं, जंतर मंतर भी, राजीव चौक। ये है घूमने की जगह इधर पूरा। तो भाई आपको क्या दिखाएं, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते दिल्ली में, तो मिलते हैं अगली राइड उठाने के बाद, देखते हैं कहाँ की है। अभी हम खड़े हैं दिल्ली सकुर, तो कस्टमर यहाँ की एक ड्यूटी वहाँ से मिल गई थी कर्नाट प्लेस से, तो अभी आए हैं। तो बहुत टाइम से ड्रॉप पिकअप किया है यहाँ, अभी देखें कहाँ की आती है राइड। तो पीछे चेंज पंप है, तो चेंज भरवा ली, तो मिलते हैं गाइस आगे। जैसा कि आपने देखा होगा हम थे सकूरपुर, तो वहाँ से एक राइड मिली नरेला की, तो बहन नरेला में। तो गाइज अभी दिल्ली जाएंगे, करीबन एक डेढ़ घंटा रुक के ही, क्योंकि अभी जाने में कोई फायदा है नहीं, जाम ही मिलेगा पूरे। तो अभी एक राइड आई थी गुड़गांव की, यहाँ से पैसे भी ठीक दे रहा था, तो भाई क्या करें ना, अभी यहाँ दिल्ली से अंदर निकलेंगे, 3 घंटे में करेंगे ड्रॉप। तो अभी खाते हैं खाना वगैरह, तो यही अपने भाइयों को घर है, तो फिर मिलते हैं आगे। तो ये है करनाल हाईवे, ये है करनाल हाईवा, तो जाता है जलंधर पंजाब, तो ये थोड़ी चलाएँ। तो अभी हम हरियाणा एंटर कर चुके हैं सोनभद्र। पहले आज रात के बज चुके हैं 10, तो अभी हम हैं एयरपोर्ट, तो वहाँ देखा होगा सोनीपत हम थे, तो भाई ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। सोनीपत से राइड मिली थी सराय रोहिला, तो सराय रोहिला से एयरपोर्ट, तो अभी हमें एयरपोर्ट T3 में। तो गाइज वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो ये है टर्मिनल 3। तो गाइज ये है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट इंदिरा गांधी।
कितना शानदार व्यू है बाहर का। तो गाइज मिलते हैं, कहाँ की मिलती है यहाँ से बुकिंग, दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो फाइनली गाइस जी रात के बज चुके हैं 12, तो अपना करते हैं ब्लॉग यहीं एंड। तो आपने देखा होगा हम थे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट से आए थे वहाँ द्वारका, द्वारका में फिर एक दो मिनट रुकने के बाद राइड आ गई। तो अभी हमें मालवीय नगर, तो गाइस नींद का हो चुका टाइम, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। तो आई होप के आपको कैसा लगा यहाँ का ब्लॉग। तो गाइस मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। प्लीज़ गाइस चैनल पे नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर आइकन जरूर दबाएं, तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगी तो नए नए ब्लॉग बना के लेने के लिए। तो गाइस करते हैं इसको यहीं एंड। तो बाकी आपने देख लिया होगा अभी जो कस्टमर ले गए थे वो भी सो गए थे गाड़ी में, तो बड़ी मुश्किल से उनको उठा के फिर कराए ड्रॉप। प्लीज़ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं अभी एंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।